वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू बिडू। और तो भाई वो क्या एमवीपी की लाइन थी, जिधर जिधर मेरा नाम उधर उधर व्यूज, तो जिधर जिधर डिस उधर उधर नियाज़ी ब्रो, कम ऑन ब्रो, इस लाहौर ब्रो। तो भाई आसिफ बालिका रात को गाना आया टूपाक, अरे भाई टूपाक आ गया भाई टूपाक। तो भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी चीज को लिया पॉजिटिव, उसने गाने का नाम ही रख दिया वेंचर 2.0। लेकिन ये 1.0 सा आया था वेंचर, एक से अब्बा वालों गैंग, एक तो ये गैंग भी जो अजीब सा लगा, लेकिन ये 2.0 इसका मतलब इससे पहले आ चुका होगा कोई गाना, ठीक है ना, या उसको ही वो अब मुझे समझ आई, ये वहां से काम किया, तो प्रोड्यूस किया हुआ है मिक्सर ने, बहुत कमाल का प्रोड्यूसर है ब्रो, आर्टिस्ट भी बहुत कमाल का है, और इसकी कला भी टेक्निकली जो हम कहते हैं जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं वो भी कमाल किस्म का है। तो खैर सबसे पहले तो हम बात कर लें ब्रो, एक गाना है मुझे बहुत देर पहले किसी ने बोला था और मैंने सुना और मैंने कहा था कि मैं ज़रूर इसको ऊपर बात करूंगा। भाई ये गाना तुम जरा एक सेकेंड सबर एंचो सबर, तुमने आगे चले जाना, अभी वो नीचे कोई भोसड़ी का लिखेगा ना कि 3.2 रिएक्शन स्टार्ट है तुम्हारी भी गान में लंग, ठीक है ना, अब तू निक पे एंचो के चांद भी मेरी कला पे हैरान खानदान भी रास्ता पर खोली ये जुबान नहीं अंदर वाला शख्स बाकी कुछ में रहा नहीं जान निकालती जब ब्रो। ये एक आर्टिस्ट है और ये रावलपिंडी का है, अली रजा इसका नाम है, होप गाने का नाम है, 58 व्यूज है ब्रो, इस गाने को सुनो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें मजे का लगेगा, मैं तुम्हें कोशिश ऐसी करता हूँ कि अच्छा लगे ये गाना। नीचे हमजी तक का कमेंट आया हुआ है, हमजी को जो नहीं जानता तुम फिर क्या कर रहे हो पाकिस्तान के रैपर्स में, तुम हमजी को नहीं जानते, उसका भी कमेंट आया हुआ है, 58 व्यूज हैं, 12 लाइक हैं, नया आर्टिस्ट है, मज़ेदार आर्टिस्ट है। बात यह है कि ये व्यूज मैटर नहीं करते यार, देखो हमने व्यूज चोरी किए तो व्यूज देने भी तो हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का, और तुम लोगों के तुम में से कई लोग हैं जो चले जाते हैं, मैं देखता हूँ उसके बाद लोग नीचे निकले होते हैं न्याजी दे न्याजी दे न्याजी दे, तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, और गीली चुमी तुम्हारी ये होगी, तो मैं भी नीचे क्या लिखूंगा यार कमेंट में, यस कमेंट में लिखने यार, और तो हमें कुछ स्पेलिंग आती नहीं, तो जाओ सुनो लिंक नीचे है ब्रो, जाके सुनो तुम्हारी प्लेलिस्ट भरेगी ब्रो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। नए आर्टिस्ट आए हैं इनको प्रमोट करो, डिस्क किए बगैर अगर अपनी मेहनत करें तो भाई तुम्हारा काम बनता है कि जाके उन्हें सपोर्ट करना, तो जाके जरूर सपोर्ट करना, लिंक नीचे है, नीचे माना कुछ होता है कि 2.4 रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अब सुनते हैं हम गाना, और रिकॉर्डर हमेशा की तरह मैं यहाँ पे भी आके भूल जाता हूँ, ये तो होगा भाई। तो 4 मिनट 32 सेकंड का गाना, रात को इतना मैसेज आया कि भैंचोद गाना आ गया कि जिसकी को हाथ नहीं, मुझे परेशान हो गया कि भाई आसिफ वाले ने क्या ऐसा कर लिया। मुझे पहला गाना पसंद आया था, मेरे हिसाब से उमर अंजुम अभी उस लेवल पे नहीं आया, और मेरे लिए 1-0 अभी आसिफ वाली का है ब्रो, आसिफ वाली ऊपर है, उसकी वजह मैं बाद में तुम लोगों को बताऊंगा, अपने आप स्टार्ट हो गया भैंचोद, नया सिस्टम भी इसका चलेगा अब, तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग बिना टाइम जाया कि ब्रो, यस कमांडो। जगह हम इस तरह मम्मी डैडी क्या होते हैं जो इंडियन है उनको मैं बता दूं, भाई मम्मी डैडी
तुम्हारा अलग स्लैंग होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे ये होता है कि ये हमारे ना यहाँ पे सोसाइटीज है, वहाँ पे मम्मी डैडी, जैसे ये डक्की भाई है वो मम्मी डैडी है, वो बोलता है कि वो कूल, आप लोग कहेंगे डक्की तुम्हारा अबू है और वो तुम्हें कर देगा तुम्हारी माँ का पोसरा, सुनो मेरी बात, तो वो मम्मी डैडी है मेरी टाउन का ब्रो, वो कोशिश करता है मोबलैल पबजी मोबलैल बोल के हंसाने की कोशिश, नहीं आती, तो ये मम्मी डैडी बच्चे होते हैं ब्रो, इनकी इनकी जरा हाई फाई ये इनको चुपेड़े चुपड़े मारे जाए ना लड़ाई हो तो ये भाग जाते हैं, तो इस तरह के होते हैं ये, जरा बर्गर खाने वाले होते हैं और ये डर जाते हैं। एक वीडियो हमारे पाकिस्तान में आई थी, मैं तुम्हें क्या वो लड़ रहा था ना किसी वार्डन से, वो वार्डन से कह लो किसी, खुदा की कसम अब आज तो खत्म है, कोई वीडियो आई थी उस तरह के जो होते हैं ना मम्मी डैडी, अब तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि वो इधर ही मशहूर हुई थी वीडियो, तो ये जो एक होते हैं ना स्ट्रीट लोग, जैसे डिवाइन है वो मम्मी डैडी नहीं है, नेजी मम्मी डैडी नहीं है, ठीक है ना, ये लोग मम्मी डैडी नहीं है, ये माँ चौधरी वाले, तो वो इसलिए उनको कहता है कि तुम लोलो पोपो पो पप्पा वो वाला साहब है, तुम्हारी बच्चियाँ टैट होंगी, ये चीजें होंगी, फ्लैक्स तुम्हारा अच्छा होगा लेकिन तुम खिलाड़ी नहीं हो, ये साहब है। यार देखो मैं तुम्हें ना एक बात बता देता हूँ, ये बात ना काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे, मैं तुम्हें इस बात में बोलूँ ना कि न्यूट्रल रहना, मैं सही बात बता रहा हूँ, उसने जो काम किया ना ब्रो, वो जो काम उसने मतलब सीन डाला उमर अंजुम ने, गरीबी का मजाक उड़ाना, मुझे पता है काफी लोग फ्रेंड भी होंगे, काफी दिल आजारी भी होती है गरीबी का, मैं खुद मैं तो वो हंसा प्रो अल्ट्रा प्रो क्या कहते हैं अल्ट्रा प्रो गरीब, लेकिन ये अखलाकी तौर में बदतमीजी होती है अगर देखा जाए, मतलब आप किसी को आके किसी को तंज के करोगे तो गरीब है और वो गरीब गरीबी को फ्लैक्स भी कर रहा है और कुछ भी कर रहा है, तो हमारा अखलाकी तौर पर हर्ज नहीं बनता, लेकिन क्योंकि टूपाक भाई ने हिट मी अप तो वो यू क्लेम टू बी अ प्लेयर बट अ फक योर वाइफ वो रहा साहब है ब्रो, तो ये डिसकल्चर के अंदर बदतमीज है ही ऐसी माँ चुती जुती है, तो अब बंदा कहाँ जाएगा गांड बनाने, आसिफ वाले के पास जाएगा उमर अंजू के पास जाएगा, मैं कहता हूँ न्यूट्रल लन बन जो बहन जो बीच में, सीधी बात इस चीज़ पर ज़्यादा फ्रेंड भी ना होना, वो जो कर रहे हैं उन दोनों को अपने हिसाब से करने दो, लेकिन हाँ बहुत अच्छा जवाब दे रहा है आसिफ वाले। ये हसर के घर पे चूल्हा नहीं के फिर अपुन खड़ा है, मरा नहीं है अपुन, डरा नहीं है अपुन, गरीबी को लेकर रोना नहीं कर रहा मैं, एक सेकंड, अपनी माँ को हज करा, अपनी माँ की फिक्र कर, हमारी नहीं बढ़ो ये, जो तेरे को जरूरी है वो कर, आप तेरे को मसल दूंगा के तरह, जो उनके पास इतने पैसे नहीं थे और वो इतना वो नहीं था, तो उन्होंने सारे रैपर्स को इकट्ठा करके क्योंकि उनके दोस्त बन चुके थे तो उनसे काम करवाया, तो ये तो ऑटोमेटिकली बिस्ती यंगस्टर्स की हो रही है, ये पैंचो होता है वन साइड स्टोरी सुन के ना पैंचो लोग पागल हो जाए। देखो यार मुर्शद, मैं तो कहता हूँ यंगस्टर्स को अबू जी तस्लीम कर दो, पाकिस्तान रैपर नादरा जाके पैंचो अपने असल अबू उठा के इनको रेख दो, लेकिन भाई बेस में फिर अब माँ तो चुकती है भाई, देख लो तुम।
एक गल और मैं तुहानू कह दिया कि मैनू पता नहीं क्यों लग रहा यह गाना पहले वाले ट्रैक तो भी ज्यादा अच्छा यह हैगा ब्रो ब्रो सॉरी बिलो मोरी बहन चो उमर अंजुम मेरे पे भी डिस ट्रैक निकाल दो न्याजी ने दिया साथ उसका मैंने दिया बाँ उसको ये आजकल इससे मुझे याद आया आजकल रैपर बोल गनी टाइगर तेरी मैं गांड मारता हूँ मैं बोर जिस दिन मैं बोर हुआ ना उस दिन तेरी गांड बजेगी मैंने अभी तक जितने लोगों में डील किया ना बोर हो रहा था तो खैर क्या कहते हैं उसको ये बंदा कड़ा कर रहा बात वो छोड़ दो वो सिलेबस सुरबल वो भाई मैं सिलेबस भी याद कर लूँगा सिलेबस भी याद वो बात नहीं है ब्रो बात यह है कि इम्पैक्ट कौन जोर का डाल रहा है मेरे हिसाब से ब्रो बुरा ना कोई मनाए लेकिन हकीकत में बात करनी चाहिए आसिफ वाली के दोनों ट्रैक अभी मैंने ये 2 मिनट का सुना 2 मिनट का भी रहता है ये ज्यादा मजेदार तुम जो मर्जी को ब्रो टेक्निकली अगर हम बात करें तो ब्रो उस हिसाब से तो असी मुर्शद नु सुनने असी यंगस्टर नु सुनने असी कृष्णा नु सुनने वो कमाल है बट उसकी वो मुझे ऐसा लग रहा था उस डिस्क के अंदर वो दम नहीं है यार वैसे रट्टा मारा हुआ लग रहा था उमर का खैर सीधी बात है माँ चुदा है सारी दुनिया गाना मजेदार है और ये पता नहीं नाले में इसने खड़े होकर बनाया 2 द्वारों के बीच में खड़ा हुआ कहाँ पे खड़ा हुआ लेकिन उसने देख यार उसका मजाक उड़ाया गया टूपाक कराची का टूपाक कितनी मीम्स मैंने देखी उसने उसको उल्टा कर दिया ये जितने मीम्स वाले हैं देख रहे हो ना तुम लोग भी देख रहे हो भैंस तुम लोगों को पता है ये गाना मजे इंजॉय तुमने करना है वो अलग बात है अबू जी वो वायस वो अलग बात वो अलग लेकिन ये गाना बहुत मजे का है मेरे हिसाब से अगर अभी देखा जाए अगर उमर अंजुम अगर ट्रैक नहीं फेंकता और अगर कुछ उस लेवल का नहीं फेंकता तो मेरे हिसाब से 2-0 है ब्रो आसिफ अली की टीम जो है वो भारी है ब्रो भाई ये मान लिया करो यार उसने अच्छा बनाया ट्रैक मज़ा आ रहा है सुनते हैं उसने हर चीज़ का जवाब दिया और कहीं ना कहीं अब कड़ियाँ जब जुड़ रही हैं जब हमने वन साइड स्टोरी सुनी अब जब दूसरी बात सुनी तो जुड़ रही है ब्रो तो वो काम कर रहा है और ये डिसलाइक है जो 400 डिसलाइक हुए हैं ऑब्वियसली और ये होने भी नहीं चाहिए क्योंकि वॉयस से वो अभी बात नहीं कर रहा अभी वो वॉयस पे आया ही नहीं है ठीक है ना वो आया हुआ है अभी से उमर अंजू पे और ये बेवजह के डिसलाइक है मैं तो लाइक कर रहा हूँ ब्रो ये हो गए 3200 कितने 17वां मेरा भाई लाइक बनता अच्छा डिसलाइक है मज़ेदार है पंच लाइन है ब्रुटैलिटी जलील किया गया हुआ है बीच में टेक्निकली अगर नहीं भी इतना वो आया हुआ रेफरेंस और ये यहाँ वहाँ से नहीं उठाए ब्रो बात यह है कि असर की जोर का कर ठीक है ना अगेन मैं कोई उमर अंजुम का दुश्मन नहीं हूँ मैं को वो नहीं हूँ कल को मेरे पे डिस आ रहा हो न्याजी ने दिया साथ मैंने दिया हाथ ये मजेदार ब्रो और मिक्सर ने मजेदार किस्म का प्रोड्यूस किया मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ
जवाब देगा तू उमर अब इस पे, अब तू जवाब दे, तेरा पिछला डिस्ट्रैक्ट भी था खास नहीं था, अब इस पे तेरे को जवाब देना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता ब्रो, मैं इंतजार करूंगा क्योंकि जीते जीते डिस्क उधर उधर न्याजी व्यूज, समझ रहे हो ना तुम। मैं तो आऊंगा किसी अगली वीडियो पे, जो मैंने ट्रैक बताया उसको जरूर सुनना, और आखिरी बात ये बोलूंगा कि वाकई में ये ट्रैक अच्छा है ब्रो, बढ़ाओ बढ़ाओ, समझ रहे हो ना, इस गाने को वाकई में सपोर्ट करो ब्रो। मेहनती लोग हैं, हुनर है, हसल किया हुआ है, हसल से मुराद ये भी है, हसल नहीं मैं नहीं, हसल इस तरह किया हुआ है कि ग्राइंड किया हुआ है ब्रो, लिखा हुआ है, आज के तो नहीं ये लगे, इसलिए उनका काम नज़र आ रहा है जोरदार किस्म का, ठीक है। और उसने यहाँ तक बोल दिया कि तू मेरे मुकाबला ही नहीं, मतलब ना तू भाइयों को भेज, और ये कहीं ना कहीं क्योंकि पिछला डिस्ट्रैक इतना वैक मुझे लगा कि वाकई में शायद कम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, या वो ज़्यादा उसने सोचा मैं रेफरेंस और बार जिसने घुमा फिर आगे फ्लो चेंज करने, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देने के देने पे उसने शायद ज़्यादा जोर नहीं दिया अपने थ्रो पर और डिलीवरी पर, वो साफ हुआ। देखो यार फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग बुरा ना बनाना, बना भी लोगे तो लन पे चढ़ो, ये तुम्हें पता है मेरा तो वो नहीं है, लेकिन जो हक है वो हक है, मुझे क्या फ़ायदा कि आसिफ अली का क्या, वही बात है व्यूज़ तो उधर आएंगे भाई, समझ रहे हो, तो उस ये हक की बात है। मैंने वो प्रोफेशनल मैग्नेट का भी देखा जो उसने ऊपर, उसने भी यही बात बोली थी ब्रो, वो दम नहीं था, आसिफ अली ऊपर है ब्रो, यस कमांडो।